ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चय नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जय मुदीर नष्टाभद्रेशु नि भागवत सवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिभावती नैश्चिकी तो हम श्रीमद् भागवतम श्रीमद्भागवत स्कंद अध्याय नौ अध्याय का नाम है माता यशोदा दारा कृष्ण का बांधा जाना इसके ऊपर चर्चा करेंगे श्लोक तो लिखा नहीं है कहीं भी तो ऐसे है आपते श्लोक तो कर देते हैं है? श्री सुको वाच दस नौ पहला दा ग्रह दासी सू। एकदाग्रहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थस्वयं दधि निर्ममंथा स्वयं ददी यानी यानी हगीतानी यानी यानी हगीतानी तद्वाल चरितानि च तद्वाल चरितानि च ददी निर्ममंथने काले दधी निर्मंथने तान्य गायत एकदा एक अच्छा सुखदेव गोस्वामी ने कहा एकदा एक, एक दिन दासिसु जब घर की नौकरनी नौकरानियाँ काम में लगी हुई थी यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज की रानी कर्म अंतरा अन्य काम काजों में नियुक्तासु लगी हुई निर्म मंथा मथने लगी स्वयं स्वयं खुद दधी दही यानी जो यानी जो, जो, जो यह इस संबंध में गीतानी गीत तत्बाल चरितानी जिसमें अपने बालक के कारण कारणों का वर्णन था का वर्णन क्ष तथा, 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 तथा ददि निर्मंथने ददि मथने के, के काले समय स्मरनती स्मरण करती तानी उन्हें अगायत गाने लगे अनुवाद और तात्पर्य और भक्ति वेदांत अनुवाद तात्पर्य जो है प्रभुपा जी के द्वारा तात्पर्य नहीं है तात्पर्य अच्छा अच्छा तो अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपा जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारी नौकर नौकरानियाँ अन्य घरेलू काम काजों में व्यस्त हैं तो वे स्वयं दही मथने लगी दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की वाल लीलाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोपसणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना तथा माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन गठित हुआ आज भी भारत में विशेषतया मुंबई में यह त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से कार्तिक के महीने में फूलवाड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गायें गोएं ऐसी सुगंधित घासें खाती थीं जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था माता यशोदा उन्हीं गायों का दूध एकत्रित करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था ददी मत से मथते समय माता यशोदा कृष्ण की वाल लीलाओं के विषय में गीत गाते जा रही थी पुराने जमाने में यह प्रथा थी कि यदि कोई किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पैसेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लेसा जी तो यहाँ अनुमति दिए कि ऐसे भजनों को पैसे भर कभी से भी मतलब उसको ट्रांसलेशन करवा के गा सकते हैं लेकिन अभी अभी इतना ठीक नहीं है अभी जो है टाइट है थोड़ा सा, नहीं गा सकते थे। एक नहीं। तो ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने कृष्ण के वा का बाल्यकाल की सारी क्रीड़ाओं को यथा पूतना अगासुर सटकासुर तथा तृणावत वध को कविता में डाल लिया था और दही मत से समय बेकवित्वमय तो गीतों को गाती रहती थी जो लोग चौबीसों घंटे कृष्ण भावना भावित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी कृष्ण भावना मृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए ओम अंतिम ज्ञानम जनासला के चचु उन्मेलिता तस्मी श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापित ये भूतले स्वयंपक ददा स्वदाक वंदे अहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवां श्रीूपं साग्र जा सहगणरघुनाथानन भी तम सजीव सावधूत पिजन सहित कृष्ण श्रीराधाप ललिता श्री नमः ओम नम ओं कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वीशे सून्यवादी पाशात सारीणे हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका गोपिकाधाका नम अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा बनेश्वरी वृंदवेश्वरी वृश्युसुते प्रणमा हरिप्रिय वाछाकूभ्य कृपासीधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री श्री अद्वैत प्रभुनंदीअ भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं भूतैर महदेवीय इमां पुरो विभु निर्माय सेते पुरुष भुंते गुणान सोडस सोलंकर शिष्ट भगवान बचन सी सोलंकर शिष्ट भगवान बचन सी में कृष्णा वासुदेव हर परमात्मा गोविंदाय नमो हरे कृष्णा तो आप सभी का दर्शन हुआ ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है और आप सभी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ बोलने के संकर्ष सुनिताई प्रभु जो है बैठे हुए हैं उनके लिए स्पेशल दंडोत हमारी और आप सभी जो है आशीर्वाद करेंगे तो कुछ हम बोलने का दुस्साह करेंगे क्योंकि सत्यता तो यह है कि जितनी हमारी इन्होंने प्रशंसा की बिल्कुल बड़ा चढ़ा करके किया इसलिए हम जो कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में समझ लेना तो इसलिए फिर जो है आप माफी चाहेंगे जो भी गलती होगी क्षमा करना तो ये जो प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण अभी इनकी बाल लीला चल रही है ये और बचपन से ही इनमें कुछ उंड उडता अधिक थी इसलिए जब से जो है इन्होंने थोड़ा चलना प्रारंभ किया तभी से केवल मातपिताओं पिताओं को ही नहीं पूरे गोकुल को नचा करके रख दिया इसलिए सारे गोकुल की नज़र का अपने काम धंधों में नहीं रहती थी केवल इस लाला के ऊपर टिकी रहती थी तो जब बचपन में थे तो गायों के साथ में बछड़ों के साथ में खेल किया करते थे गोपियों को स्पेशली माता को बहुत चिंता रहती थी कहीं कोई बछड़ा जो है उनको ठोकर ना मार दे कोई गाय ठोकर न मार दे तो इसलिए हर समय अपने काम धंधों को भूल करके लाला पर जो है नज़र टिकाए रखती थी और एक प्रकार से उनको बहुत आनंद भी मिलता था इनमें लाला को देख करके कृष्ण को देख करके इसके साथ साथ में वो कभी कभी जो है नालियों में आप तो जानती हैं कि बच्चे के लिए क्या है, है नालियों में जो है हाथ पीटते थे है? तो ये जहाँ देवता भी इस मृत्यु लोक में इस पैर नहीं रखते हैं लेकिन वो ही भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं इस ब्रज रज में लोट पोट करते रहते हैं थोड़े बड़े हुए तो जो है उन्होंने एक टीम तैयार की और वो चोरों की टीम थी खुद उसके लीडर थे सुनो कोई कहे कोई सुनेगा कोई भक्त नहीं होगा वो तो समझ पाएगा लेकिन जो भक्त नहीं है वो तो बोलेगा अरे क्या भगवान है इसलिए तो आज तक लोग भगवान नहीं मानते हैं बाकी सब देवताओं को मानेंगे क्योंकि वो दंड देते रहते हैं पीटते रहे लेकिन ऐसा भगवान तो कोई देखा नहीं है इसलिए अभी तक भारत में सत्यता तो ये ही है जितना राम को भगवान करके माना जाता था कृष्ण को नहीं माना जाता था जानते ही नहीं थे ब्रज, ब्रज के बाहर आप देखो लोग जानते ही नहीं थे कृष्ण को राम के सब जहां भी जाएंगे गांवों में शहरों में सब राम की चर्चा होती थी ये तो प्रभुपाद जी की मेहरबानी है उनका आशीर्वाद है कि वो कृष्ण को लोग अब समझ पा रहे हैं धीरे -देर धीरे करके नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था कृष्ण को तो इसलिए उन्होंने जो है एक चोरों की टीम तैयार की और उसके स्वयं लीडर बने और वो चोरी करना है माखन की चोरी तो प्रत्येक दिन जो है गोपियों के घर में जाते थे जाते थे और अपने सखाओं के साथ में और माखन चोरी किया करते थे तो इससे गोपियों को कोई बुरा नहीं लगता था गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती थी और सत्यता यह है कि जब वो ददी मंथन करती थी तो रो रो करके भगवान को स्मरण करती थी कि लाला कन्हैया क्या आज आप हमारे माखन चोरी करने के लिए नहीं आती आएंगे कभी कभी वो लेट मान लीजिए नहीं कन्हैया पहुंच पाए तो रोने लगती थे क्या कन्हैया आज जो है मेरा माखन खाने के लिए आप नहीं आएंगे है? मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है क्या मेरे कुछ पुण्य नहीं हैं जिससे आज कन्हैया आकर के मेरे माखन का भोग लगाए तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था तो भगवान इस लीला के अंदर स्पेशली भक्त वश्यता भगवान कैसे अपने भक्तों के अधीन हैं और जिसके कारण जो है जो सारी सृष्टि को अपने शक्तियों के द्वारा बांधे हुए हैं लेकिन वो ही भगवान भक्तों के द्वारा बंधे हुए हैं तो इसलिए भगवान जो है गोपियों के यहाँ जाते थे और उनका माखन चोरी करते थे कभी कभी कोई आलसी गोपी है जो टाइम से दही नहीं निकालती थी देखती एक देखते थे कि सो रही है या जो है कहीं बाहर गई है तो उसके बच्चे को चुपटी मार करके भाग जाते थे और ऐसी चुपटी मारते थे कि बस माँ उनको मतलब चुप कराते कराते भी बहुत समय लगता था कभी कभी आप सब सुने हैं पिशाव कर देते थे सोचो ऐसा नहीं है? <laughs> भग, कुछ उनको जानकारी है भी और नहीं भी है पेशाव करके आ जाते कोई थूक करके आ जाते थे एक साधारण बच्चा भी ऐसा नहीं करता वो भी आजकल जो है बड़े सभ्य हैं ले, लेकिन ये जो है कुछ कह नहीं सकते तो इस प्रकार जो है भगवान के ब्रजवासी जो है इन लीलाओं का आनंद ले ले करके उनका आनंद वर्धन ही होता जा रहा है लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है तो अब क्या प्लानिंग किया उन्होंने तो अब सभी गोपियों ने कहा कि बहन एक ने दूसरे से कहा बहन देखो क्या करें हमारी संतुष्टि नहीं होती है तो इसलिए कुछ ऐसा प्लान करती हैं कि हम जो है मैया यशोदा के घर में जब लाला रहता है तो वहाँ जाकर के कुछ हम दर्शन कर सकें तो एक ने कही बहन ये बात तो सही अच्छी है लेकिन हम जाएं किस बहाने से जाए कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए तो तीसरी ने कहा कि बहन बहाना तो मैं बताती हूँ ऐसा करेंगे हम कुछ कंप्लेन ले करके के चलेंगे पाँच मिनट तू बोलना पाँच मिनट मैं बोलूँगी पाँच मिनट जो है तीसरी बोलेगी तो इससे कम से कम पंद्रह बीस आधा घंटा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा हो सकता है तो ऐसे जो है उन्होंने प्लानिंग किया और नित्य प्रति गोपियाँ टोली की टोली बना करके आती थी और मैया को लाला का उलाना देती थी मैया देख आ तो तेरे लाला ने जो है बहुत ही हद करके फेंक दी मैया उसका वो भी ऐसा ड्रामा नाटक करती थी बिल्कुल जिसको बोलते हैं रोया हुआ जैसे कोई बहुत कष्ट में कोई बहुत कष्ट दिया है तो माता का भी हृदय दुख दुख करने लगता था लगता है इसका आज क्या किया तो मैया पूछती मैया पूछती भाई क्या बात है आज तेरा क्या हुआ बोला मैया क्या बताऊँ आज जो है वो मेरा वो मटका जो है मेरी दादी क्या नाम है मेरी सास की सास की सास का जो मटका चला रहा था आज उसने उसका सत्यानाश कर दिया फोड़ करके रख दिया अच्छा बहन तो कन्हैया जो है वहीं खड़े हैं मैया के पीछे खड़े हैं हाथ में उनका एक पल्लू लगा हुआ है और जब गोपी बोलती हैं तो उनकी तरफ़ देखती हैं और माता क्या एक्शन हो रहा है उनकी आंखों में तो वो उनकी तरफ भी देख लेते हैं तो इस प्रकार फिर दूसरी गोपी बोलती है कि मैया वो तो ठीक है लेकिन देख आज मेरी जो है मैंने क्या किया था मेरा लाला जो है आज जो है सो रहा था घर में और एक गया उसको जो है चुटकी काट करके आ गया अभी तक देख चुप नहीं हो रहा है क्यों रे तो कन्हैया मैया को गुस्सा बहुत आता था लेकिन कन्हैया इतनी भोली भाली सकल बनाते थे कि मैया का जो टेम्परेचर था एकदम डाउन हो जाता लो में चला जाता माइनस में चला जाता था तो मैं मैया कुछ नहीं बोल पाती थी और इस प्रकार जो है तीसरी ने कहा मैया देख आज तो मेरे घर में ये पिसाव करके आ गया है मैया देख जिसने जो है मेरा सारा माखन खा दिया है। कोई बोलती मैया इसने खाता तो कोई बात नहीं है देख सारा बंदरों को लुटा करके फेंक दिया ऐसे करके करते करते वो बहुत समय बीती तो ये लीला कई दिन तक चलती रही तो इसलिए मैया को कुछ डाउट होने लगा पहले तो लगा कि नहीं मेरा लाल ऐसे चोरी थोड़ी करेगा लेकिन कब तक मैया के मन में दिमाक नहीं बैठे गए हैं जितना भी आप एडवरटाइज देखेंगे जो जितना अधिक समय तक प्रचार करेगा चाहे वो दो पैसे की भी वो वस्तु ना हो लेकिन यदि एडवर्टाइजमेंट उसका हाई क्लास का है तो लोग भी सोचते हाँ लगता है कुछ तो दम होनी चाहिए नहीं तो इतना थोड़ी करता तो इसलिए गोपियां एक दिन नहीं दो दिन नहीं लगातार कई दिन तक एक करती फरियाद करती 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 तो मैया को लगा के लगता है कि वास्तव में, में मेरा लाला अब चोरी करने लग गया है इसलिए उनके सोचा कि भाई क्या बात है मेरे घर में तो कोई दही और जो है दूध और मक्खन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी मेरा लाला उन गोपियों के घर में जाता है क्या बात है तो फिर मैया ने सोचा कि हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी जो गोदासियाँ हैं वो जो है दही दूध का जो है काम करती हैं दूध निकालना दही जमाना तो लगता है कहीं जो है ये सावधानी से नहीं करती कुछ न कुछ इसमें जो है मतलब शुद्धता नहीं है अशुद्धता रह जाती है जिसके कारण जो है क्या है मेरा लाला हमारे घर में दूध नहीं खाता या मक्खन नहीं खाता है दूसरे घरों में चोरी करने के लिए जाता है तो इसलिए मैया ये बात को कई दिन से सोच रही थी कि आज मैं स्वयं करूंगी लेकिन जैसे ही वो दूध निकालने के लिए जाती तो कम से कम सैकड़ों दासी उनके पीछे ले मैया देख तू क्या करी तू दूध निकालेगी तो फिर भला हम क्या करेंगे नहीं मैया प्लीज आप तो हमारी जो है मालिक ने आप ऐसा क्यों यशोदा मैया तो रानी थी ब्रज के जो है नंद महाराज राजा हैं यशोदा रानी हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो भी जो है मतलब दूध निकालना गाय का और करना तो ये तो कोई भी लाइक नहीं करेगा तो इसलिए कई बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन कभी भी उनको चांस नहीं मिला लेकिन आज आज जो है चांस उनको मिला क्यों चांस मिला क्यों चांस इसलिए मिला कि कल जो है क्या नाम है गोवर्धन पूजा है तो इसलिए गोवर्धन पूजा की बहुत बड़ी तैयारी करनी है उनको जिसमें बहुत बड़ा जो है विस्तार जो है वो होता है तो इसलिए उन्होंने क्या किया मैया ने क्या किया जो है धीरे धीरे करके उनको जो है गोवर्धन पूजा के लिए जो तैयारी करनी है जो कुछ भी प्रवेशन जो है उनको बनाने हैं वो उसमें लगा दिए तो जो गोपी गई जो दासी गई तो वो सोच रही थी कि मेरे पीछे तो और बहुत सारी हैं इसलिए वो सेवा कर रही होंगी लेकिन मैया ने एक करके सबको लगा दिया और और हर गोपी यही सोच रही है कि अभी तो बहुत सारी दासियां हैं जो घर में हैं इसलिए कोई चिंता नहीं तो इसलिए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि हर यही सोच रही थी कि जो है अभी तो बहुत सारी दासियां हैं जो सेवा कर रही हैं इसलिए उनको ये बात दिमाग में नहीं आई आज मैया है और घर में लाला है बस आज उनको पूरा चांस मिला और चांस मिल करके श्री सुको वाच। सुखदेव गोस्वामी जो है स्टार्ट कर रहे हैं अब उस लीला को क्या हो रहा है घर में जब सब दास दासियाँ जा मतलब उनको चली गई हैं तो क्या चल रहा है तो बोल रहे हैं एकदाग्रह सु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुम मंथ स्वयं दधि निर्म स्वयं दधी एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नेहनी नंद गेहनी नंद माता यशोदा जो है आज क्या की आज उन्होंने जो है जितने भी उनकी दासियां थीं दासियों को क्या किए कर्मांतर नियुक्तासु अन्य अन्य कर्मों में उनको लगा दिए इसका मतलब है कि उन्होंने जो कार्य पहले करती थी ना कार्यों को भी चेंज कर दिया है जो झाड़ू पहुँछा करती थी उसको कहा दिया का, आ तू पानी दो लेकर किया जो दूध निकालती थी उसको कहा कि नहीं आतू दूध नहीं आज जो है आपको दही मंथन करना पड़ेगा इसलिए उनके कार्यों को भी चेंज कर दिया तो इसलिए वो क्या है कि वो उनमें पूरा फोकस कर रही हैं अपना तो कर्मांतरा नियुक्ता सुख निर्म मंथ स्वयं ददी तो उन्होंने जो है क्या किया जैसे प्रभुपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं के नंद बाबा के जो हैं बहुत गायें थीं जिसका जो है अंक है नौ लाख और भी जो है सभी गोपों के तो ऐसे ही थे किसी के नौ लाख हैं ग्यारह लाख हैं दस लाख हैं लाख हैं दो लाख कई जैसे जैसा गोप है और यही उनका जो है कौन कितना अमीर है तो इससे मालूम चलता था किसके पास में कितना गाय है तो हुआ ये था कि मैया ने उस दिन क्या किया जो है शाम के समय अच्छी तरीका से दूध निकाला दूध निकाल करके जो है पद्मगंधा जिनका नाम था पद्मगंधा जैसे प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखे हैं और जो है क्या ना वृंदावन चावल ठाकुर बोले हैं कि जो एक गाय स्पेशल गाय ऐसी कुछ गायें ऐसी थी कि जो उनका जो गाय अन्य जो गायें थी उनका दूध निकाल करके लगभग सौ दो सौ गायों को पिलाती थी और उनका कुछ दूध निकाल करके कुछ गिनती में लगभग सौ गायों के करीब उनको पिलाती थी जो स्पेशल गायें थीं और जिसको घास में मतलब ऐसा घास खिलाया जाता था उनके दूध से गंध आती थी पद्म गंध इसलिए उनका दूध से पद्म गंधा आने के कारण उनका नाम ही पद्म गंधा पड़ गया था स्पेशली माता ने उन गायों को दूध निकाल करके निकाल करके गर्म किया गर्म करके रात्रि को जमा दिया जमा करके जो है अब जो है क्या किए लाल जो है समय के अनुसार वो सोए लेकिन आज माता को नींद नहीं आ रही क्योंकि आज माता ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई दासी आ जाए तो फिर जो है मेरे रोक रोक दे इसलिए बार 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 उनके मन में वही जो है कैसे मैं दूध दही मंथन करूंगी और जो है लीला का जो है क्रम चल रहा है तो लगभग अभी जैसे भक्त लोग जल्दी उठ जाते हैं कोई दो बजे ढाई बजे तीन बजे चार बजे जैसे उठ जाते हैं तो आज माता जो है बहुत जल्दी उठ गई जल्दी उठ करके और उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है जो दही रखा दही था स्पेशली जो है उसको लिया और उसको लेकर के माता मंथन करने लगी हालांकि बच्चा उनके पास में सोया हुआ है लेकिन माता ने बड़े हल्के से जैसे लाला को मालूम न चपडे, मालूम न चले उनका जो है क्या ना नींद भी नहीं खुले इसलिए माता बड़ी जिसको बोल सकते हैं हाथ का सहारा दे करके के लाला को जो है क्योंकि उनकी छाती से चिपक करके सोया हुआ था लाला और बच्चा प्राय माताओं के बच्चे सर से ही चिपक करके सोते हैं तो मैया ने धीरे से हटा करके और उनको जो है खुद खड़ी बैठी और उसको थपथपा करके लाला को वहीं की वहीं सुला दिया और उठ कर के जो है सीधी गई जा कर के जो है पहले अपना अच्छी तरीका से शरीर साफ़ किया शरीर साफ़ करके जो है और क्या नाम है दधि मंथन कर रही है यहाँ जो है स्टार्ट कर रहे हैं मंथन कर लग गए कर्मंतरियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि तो यानी यानी च दधि निर्मंथने काले स्मती गायन गान्य गाय गायामरती अगायत अर्थात तानी अगायत माता उन यानी यानी गीता तत् बाल चरितानी च उन गीत उन गीतों को गा रही हैं उन लीलाओं को गा रही हैं माता जी जो लीला ऑलरेडी कृष्ण ने पहले कर चुके हैं जैसे जो है क्या नाम है पूतना वध हुआ है और जो है क्या नाम है तृणावत वध है, है? सट्टासुर वध है और उनकी बचपन की जो लीला है उन लीलाओं को माता स्मरण करके गा रही है। और स्पेशली प्रभुपा जी इसके ऊपर अच्छा बात लिख रहे हैं कि बोलते हैं यह घटना कहलाती है बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भावित थी कृष्ण भावना मृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि क्योंकि माता क्या कर रही हैं उन लीलाओं को गा रही हैं गाना गा रही हैं अर्थात जो लीला हुई हैं उनको कवित्व में बना करके भावसों को और ब्रज में तो प्राय ऐसा होता ही है कि वो सभी कोई भी लीला उसमें एक कविता बना लेती है कविता मतलब गाना बना करके उसको वो गाती है तो ये जो है कृष्ण भावना अमृत में उन्नति करने के लिए अधिक समय तक किसी चीज़ को याद रखने के लिए ये सबसे उत्तम फॉर्मूला है और प्रभुपा जी ने यही बात की है कि हमें कृष्ण भावना अमृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए जैसे माता यशोदा जो है कर रही ऐसे व्यक्तियों का तिष्ठन व्रजे रूप गोस्वामी का हाँ तिष्ठन व्रजे तद अनुराग तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयत इति उपदेश सारम इति उपदेश सारम सारे शास्त्रों का सार है तिष्ठन व्रजे ब्रजम बात करो अब भाई शरीर से नहीं है तो कम से कम मन से बात कर सकते हैं जहाँ भी रखो कोई बात नहीं है लेकिन मन से ब्रज में रहो तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन कहाँ रहना है तो जो ब्रज भाव से भावित हैं उनके सानिध्य में रहना चाहिए और अनुगामी उनका ही अनुगमन करना चाहिए कालम नित इति अखिल उपदेश सार हम इस प्रकार जो है समय का जो है हमें व्यतीत करना चाहिए तो माता जो है यशोदा के बारे में प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि वो कितनी कृष्ण भावना भाव में थी कि जो है उन लीलाओं को याद कर करके कर भगवान के ओर क्या कर रही हैं उन लीलाओं का जो है गा रहे हैं इसके बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी जब लीला बोल रहे हैं तो कहीं कहीं इतने वो भाव विष्ट हो जाते हैं कि आगे का पक्ष पीछे का पक्ष पहले बोल देते कभी कभी और आगे का पक्ष और पीछे चला जाता है तो मैया जो है क्या की थी जब दधि मंथन करने जा रही थी तो उसके पहले उन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरीका से क्या किया था सफाई किया था और सफाई करके जो है रेशम का लहंगा पहना और उसको अच्छी तरीका से गांठ लगाई है क्योंकि जब कोई काम धंधे के लिए जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि धोती जो है घसीटती हुई चले <laughs> जब काम धंधे जैसे कोई पहलवान लड़ते हैं ना तो टाल ठोक करके फेंट अच्छी तरीका से कस करके फिर लड़ते हैं तो आज मैया जो है पूरा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह तत्पर थी तो इसलिए उन्होंने रेशम का लहंगा रेशम का या उसका सिल्क का सिल्क का सिल्क रेशम रेशम का रेशम का रेशम रे का इसलिए पहना क्योंकि वो शुद्ध रहता और आज माता इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि कहीं भी रत्ती भर भी कोई अशुद्धि उसमें नहीं होना चाहिए तो इसलिए उन्होंने रेशम का लहंगा पहना और अच्छी तरीका से क्या नाम है अपने जूड़ों को संभाला बांध करके और उसको जो है कई मालती हैं और क्या नाम अन्य चमेली अन्य अन्य जो है मालाओं के जो है उन्होंने क्या किया अपने जूड़े को फूलों से कस लिया है फूल सजा करके जूड़ा बांधना जिसको बोलते हैं किया है और इस प्रकार जो है माता गागा करके क्या कर रही है ददी मंथन कर रही है तो जिस समय ददी मंथन कर रही है माता जी तो आप तो किए होंगे जो किए होंगे गाम के होंगे तो समझ सकते हैं और जो शहर के हैं तो भाई उनको तो एक ही आनंद मिलेगा या तो शहर का मिलेगा या गांव का तो भगवान कृष्ण की जितनी लीला हुई हैं सब गांव की है थोड़ी सी शहर में हुई थी मथुरा गए थे <laughs> उसके बाद भगवान जो है तो ये जो है लीला है आप से जब घर में ददी मंथन कर रही हैं तो ऐसे हाथ चलते हैं तो ददी मंथन करते समय वो क्या कर रहे हैं उनके जो हाथ के कड़े हैं सुंदर एक गाने के साथ मानो कोई कोई कुछ अच्छा कोई करताल बजा रहा उसका है, कड़े उनके आवाज कर रहे हैं छन छन है, और कानों के कुंडल क्या कर रहे हैं वो भी बहुत सुंदर ढंग से जो हिल रहे हैं तो बड़े बड़े आचार्यों का जो है इसके ऊपर जो है व्याख्या किए कि जो है कानों के कुंडल क्यों हर रहे हैं हिल रहे हैं और जो है कड़े ऐसे क्यों जो है वो कर रहे हैं आवाज कर रहे हैं तो उनका जो है कहना है कि कड़े इसलिए आवाज कर रहे हैं कि आज एक जो है हाथ के जो कंगन हैं इतने प्रसन्न हैं इतने प्रसन्न हैं कि नाच रहे हैं वो क्यों भाई क्या बात है आज तो बोले इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि आज ये माता के जो हाथ हैं डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और इनके अंदर क्या है कि हम हैं तो इसलिए इनके साथ साथ में ये तो धन्य है ही हैं लेकिन इसके साथ साथ में हम भी धन्य हो गए तो इसलिए आनंद से जो है वो भी क्या करे सुंदर आवाज कर रहे हैं और कानों के कुंडल इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि माता जी है जिस समय उन लीलाओं को गुनगुना रही है गा रही है हमने अपने घर में भी देखा है कभी कभी जब हमारी क्योंकि हम भी तो गांव से ही हैं तो इसलिए गाय भैंसें होती हैं तो रात में उठ कर के और उसमें थकान नहीं होती है जब गीत गाते हैं एक तो लीला का स्मरण रहता है दूसरा थकान भी कम होती है आप बिना कुछ चुपचाप गाएंगे तो पूरा टेंशन उसी में रहेगा इसलिए तो बहुत थक थकते थक जाते थक हैं लेकिन जब गा करके किसी काम को करेंगे तो उसमें इतनी थकान नहीं होती तो इसलिए कुंडल इसलिए हिल रहे हैं कि माता आज गा भी रही है साथ साथ में कानों से क्या कर रही है वो श्रवण भी कर रही है तो इसलिए कुंडल भी मतलब आनंद से झूम रहे हैं कि देखो एक कान धन्य है जिनमें भगवान कृष्ण की लीला कथाएं जो है श्रवण कर रहे हैं और इन कानों के द्वारा आज हम भी जो है धन्य हो गए तो इसलिए आनंद से वो वो कर रहे हैं इधर जब माता जो है वो कर रही हैं तो साथ साथ में ये जो मत, जो रखा था दही का पात्र ऐसे स्थान पे रखा था कि माता दूर जो कन्हैया सोया हुआ है एक दूसरे रूम में तो साथ, साथ में उसको देख भी लेती थी क्या एक्शन चल रहा है लाला सो रहा है कि नहीं सो रहा है तो उनके साथ साथ में उस पर भी ध्यान रखती थी तो आज माता का जो है इतना कन्हैया को प्रसन्न करने का इतना बात्सल्य उमड़ रहा है और वास्तव में देखा जाता है किसी प्रेमी की सेवा करने में बहुत आनंद आता है आप सभी जानते होंगे यहाँ से देखते होंगे है बहुत सी जो स्त्रियाँ हैं बेचारी खुद नहीं चला जाता है उन पर लेकिन जब लाला को कंधे पर रख लेती हैं तो खूब दौड़ लगाने लगती हैं है, आप महसूस किए होंगे बड़ी बूढ़ी बड़ी आप देखें बच्चे को लाद करके खुद जो है ऐसे लगता है कि यहाँ गिरे को वहाँ गिरी लेकिन जब अपने बच्चों को जो है किसी है उसको ले लेती हैं तो क्या है उनको बहुत अच्छा लगता है और खूब लाला से है कंधे पर लाद करके चली जाती है तो ऐसे ही जो है कन्हैया जो है जब माता देख रही है तो उनका बासल्य उमड़ रहा है तो बासल्य उमड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो स्तनों का जो दूध है वो भी चुचवा रहा है बाहर आ रहा है तो जिससे क्या है कि उनका ब्लाउज भी जो है भींग रहा है तो क्यों वो चुचवा रहा है क्योंकि आज जो है मतलब वो चाहता है कि जब लाला आए तो सबसे पहले दृष्टि मेरे ऊपर पड़े क्योंकि उसको भय यह भी है कि दूसरी जगह पद्मगंधा का दूध गर्म हो रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले आकर के उसकी तरफ लाला की दृष्टि चले गई तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा तो इसलिए वो क्या कर रहा है दूध भी बाहर आकर के झांक रहा है हैं? जिससे लाला पहले मेरे को देखे और सबसे पहले जो है मेरे को पिए तो इस प्रकार जो है भय से हिल क्यों रहा है तो इसलिए हिल रहा है इस तने इसलिए हिल रहे हैं कि उनको थोड़ा भय है कहीं ऐसा नहीं कि जो है कि हमें स्तनों के अंदर है तो इस्तनों के अंदर ही रह जाए तो इनको कंपन इसलिए हो रहा है कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि उनका नंबर पहले आ जाए मेरा नंबर ही नहीं आए तो इसलिए उनको भयभीत हो रहा है तो इधर अब जो है क्या है माता का जो है हाथ है उनका शरीर कहाँ है भगवत सेवा में लगा हुआ है उनकी वाणी क्या नाम है भगवान की लीला कथाओं का चिंतन कर रही है गान कर रही है उनका मन भगवत लीलाओं का स्मरण कर रहा है जब इस प्रकार कोई साधक भक्त जो है जब उनका काया मन वाक्य संपूर्ण रूप से जब भगवत सेवा में इंगेज हो जाते हैं तो उस समय भगवान का पदार्पण होता है उनके हृदय में तो अब जो है मैया पूरी तरह से तन्मय है भगवत सेवा में लाला को प्रसन्न करने में तो अब लाला की जो है निद्रा खुलती है वो लाला जगता है तो जैसे ही बच्चे पहले जगते हैं तो पहले आँख नहीं खोलते तुरंत वो लेटे लेटे क्या करते हैं पहले मैया को टटोलते हैं कि है कि नहीं है जब मैया है नहीं तब जा कर के आँख खोलते हैं लेकिन है तब तो फिर कोई बात नहीं है तो जो है कन्हैया ने सोते सोते जो हाथ डाले तो लेकिन कोई है नहीं तो इससे क्या हुआ कि जो है कन्हैया ने आँखें खोली आँखें खोली तो देखा कि मैया है ही नहीं तो थोड़ा रोने लगे क्योंकि बैठ पे थे लेकिन देखा कि आज मैया सुन नहीं रही है तो उन्होंने देखा कि भाई मैया जाने वाली है प्रत्येक दिन मैया जो है जाकर के लाला को जगाती थी क्या? मैया जो है गा, लोरी गा के का और लाला को जगाती थी लेकिन आज जो है स्वयं कन्हैया जो है मैया को जो है क्या कर रहे हैं जगाने के लिए जा रहे हैं तो लाला जो है क्या किए पलंग से नीचे उतरे पलंग से नीचे उतर करके जो है धीरे धीरे करके आगे चलने लगे और मैया की जो है पास में पहुंच गए मैया सब देख रही है लेकिन वो उन्होंने मंथन चालू नहीं किया देखती है क्या करता है लाला तो मैया ने क्या किया उन्होंने लाला ने मैया का लहंगा पहना लहंगा पहन करके खड़े हुए और खड़े होकर के मथानी को पकड़ लिया जब मथानी को पकड़ लिया तो मैया ने मथना बंद कर दिया मथना बंद कर दिया तब जो है आचार्यों का कहना है कि जो है लाला ने मथानी को क्यों पकड़ा तो लाला ने मथानी को इसलिए पकड़ा क्योंकि कन्हैया ने सोचा मेरी मैया ने पहले ही इतना साधना भजन इतने इतने कष्ट उठाए हैं तब जाकर के मेरे को प्राप्त किया है इसलिए अब जो है इन्हें और अधिक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है कन्हैया ने कहा कि मैया तूने पहले ही इतना कष्ट उठा करके मेरे को प्राप्त किया है इसलिए अब तू और कष्ट मत उठा नहीं तो तेरी सेवा के कारण मैं इतना दब जाऊँगा कि मैं उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने मथानी को पकड़ लिया और मथानी पकड़ ली तो मैया ने उसको रोक दिया रोक दी अब कन्हैया ने मैया भी अब कुछ नहीं कर, देख रही है क्या करता है आगे तो उसके बाद में कन्हैया ने क्या किया खड़ा खड़ा तो थे ही एक पक मटकी के ऊपर रखा लहंगा पकड़ पकड़े हुए थे लहंगा पकड़े हैं उसी का सहारा लेकर के एक पग जो है क्या नाम मटकी के ऊपर रखा और दूसरा पग जो है मैया के है क्या नाम पैर पर रखा और पैर पर रख करके जो है ऊपर चढ़े तो जैसे ऊपर चढ़े तो मैया ने फिर उनको सहारा दे करके अपने स्तनों से लगा लिया अपनी छाती से लगा लिया छाती से लगा करके जो है उनका दूध पान करा रही है इधर जो है भगवान है जो तृप्त काम है जिनको जो है क्या नाम है किसी भी चीज की क्या नाम है कोई भी चीज की यहाँ उनको आवश्यकता नहीं है क्या है गीता का श्लोक है ना श्लोक है कि उसमें क्या बोलते हैं उसमें? उसमें जो है भगवान बोलते हैं कि मैं किसी भी चीज के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है नाम कर्माणी लिमपंती नामे करन, कर्म फले इति इतिमाम यो अभिजानाती कर्म कर्म विर्ण सब्य ये भी है लेकिन इसके अलावा भी है कि जिसमें भगवान बता रहे हैं कि मुझे कोई संसार की किसी भी वस्तु को इच्छा नहीं है फिर भी मैं शिक्षा देने के लिए समाज को क्योंकि यदि मैं ऐसा अहम ही न मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा तो लोग जो है फिर क्या करेंगे मेरे देखा देखी कुछ नहीं करेंगे तो ये, 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 वर्ते हम जाति कर्ण। कर्मंद तंद्रत मम वर्तमान वर्तनते बर, मनुष्य पार्थ सर्वसः हे पार्थ सारे मनुष्य जो है मेरा अनुसरण करते हैं यदि तो मैं नहीं करूँगा तो इसलिए सब लोग आलसी हो जाएंगे और उनका जो है पतन का कारण मैं बनूँ इसलिए भगवान जो है अत मतलब तृप्त काम है लेकिन आज अतृप्त काम बन गए भगवान उनको इतना भूख महसूस हो रही है इतना उनको भूख लगी है कि भगवान पीते जा रहे हैं माँ माँ मा का स्तन पान कर रहे हैं और इधर स्तनों के अंदर जो दूध है बासल इतना मैया का उमड़ रहा है कि दूध भी क्या कर रहा है दना दन करके जो है स्तनों में प्रवेश करता है मतलब दूध उतर रहा है और इधर भगवान पान कर रहे हैं दोनों में कंपटीशन लगा है न तो मैया के स्तनों का दूध खत्म हो रहा है और न जो है लाला की भूख बुझ रही है और इधर जो है क्या नाम है दोनों में कंपटीशन होने के कारण मैया क्या कर रही है कि जो है लाला के मुखार को भी देखती जा रही है लाला दूध पी रहे हैं मैया मुखारविंद को निहार रही है।, है कभी जो है उनके सुंदर मुख को देख करके के कभी लाला के जो है दूध पीते पीते लाला के दांतों को भी देख लेती है कितने दांत हैं उगे हैं मेरे लाला के बहुत आनंद आ रहा है इसलिए तो जो है ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि भाई जो सुख जो है से ब्रह्मा जैसे जो जो मतलब क्या बोलते हैं जो कृपा माता यशोदा ने प्राप्त की है वो नंशो क्या है उसका श्लोक है ना, एक इस है इसमें है ये ऐसा श्लोक ब्रह्मा जी ने बताया लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी का कृत श्लोक है और इसमें न न भवो श्री अप्य गोपी यतत नो नीअप्रया प्रसादी जो कृपा से ब्रह्मा और यहाँ तक लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुई माता लक्ष्मी भी हर समय भगवान के हालांकि उन्होंने बच्चे स्थल पर शरण दी है लेकिन माता लक्ष्मी हर समय कहाँ रहती है माता लक्ष्मी हर समय जो है उनके चरणों में रहती है चरण सेवा रहती है लेकिन ओ लक्ष्मी भी जो है भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकी उनको भी जो है रास में प्रवेश नहीं करने दिया है आज तक बेचारी तपस्या कर करके जो है माता लक्ष्मी या आस लगा कर करके बैठी है कभी समय आएगा तो मेरे को प्रवेश मिलेगा देखो कब समय आ सकता है तो शिव ब्रह्मा जैसे भी देवता जिस जो है कृपा को प्राप्त नहीं किए उस जो है आज वो माता यशोदा जो है उन कृपा को प्राप्त किए आज भगवान को क्या कर रही है अपने स्तनों का पान करा रही हैं अरे भगवान का नाम लेने से लोग जो है गदगद हो जाते हैं आनंद उठता है तो आप सोचो कि जो स्वयं जो आनंदमय है जो सारे रसो वही सह सारे रसों का जो आगार है आज वो मैया की गोद में जो है स्तन पान कर रहे हैं तो माता का जो आनंद है हिलोरे ले रहा है ए? बार बार जो है हिलोरे ले रहा है तो इस प्रकार जो है माता आनंद पूर्वक जो है उनको लाला को स्तन पान कर रही हैं लाला भी पी रहे हैं इधर स्तनों का दूध भी कम नहीं हो रहा है कंपटीशन लगा है इधर क्या हुआ इधर जो दूसरा दूध जो पद्म गंधा का दूध गर्म हो रहा था वो देख रहा था भाई क्योंकि आध्यात्मिक जगत की हर चीज चिन्ह में है, है? तो इसलिए वो देख रहा है और उसने सोच लिया कि इधर जो है लाला की भूख बुझने वाली नहीं और माता के स्तनों का दूध कम होने वाला नहीं चलो भूख नहीं बुझा ये बात तो अच्छी थी लेकिन दूध खत्म हो जाता तब तो मेरा नंबर आने वाला था लेकिन इस बात को जानता था कि माँ के दूधों का जो स्तनों का दूध कभी भी कम नहीं होने वाला है इसलिए जो है उसको देख देख करके अब जो है इसको लज्जा आने लगे हाय हाय है मैं इतने समय से अग्नि पे तपस्या कर रहा हूँ अग्नि चढ़ा चढ़ाऊँ अरे भाई कोई तो पानी में घुस के तपस्या करता है हैं आजकल तो भक्त लोग जो है क्या नाम है मंदिर में ही बैठे बैठे अपना दोपहर तक फास्टिंग कर लेते हैं समझते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है तो दोपहर तक फास्टिंग रखा प्रभु और कितना मारोगे क्या हमें <laughs> तो जो है उसको जो है लगा के लगता है मेरी बारी आने आने वाली नहीं तो जब मैं कन्हैया जब मेरे को नहीं पिएगा मेरा नम्बर नहीं आएगा तो अच्छा इस जीवन को रख करके मैं करूँगा भी क्या जो भगवत सेवा में जो जीवन नहीं लगा ए? तो फिर ये जीवन को भी धिक्कार है ऐसे जीवन को और ऐसे जीवन को क्या करना चाहिए समाप्त कर देना चाहिए इसलिए बेचारा शर्म से लज्जा से और, और वो क्या करने लगा उफनने लगा और उफन उफन करके अंगीठी के अंदर जो है गिरने लगा और जलने लगा तो जैसे ये आप देखते हैं कोई चीज़ जलती है तो उसकी खुशबू आती है जलाए होंगे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें कभी तो खुशबू आने तो मैया तुरंत समझ गई लगता है क्या जल रहा है दूध जल रहा है क्योंकि उसकी दूध की अलग खुशबू होती है तो इसलिए तुरंत उनकी दृष्टि उसमें गई तो देखा दूध फन्ना है तो दूध फन्ना है तो इससे क्या हुआ कि मैया जो है तुरंत कन्हैया को क्या की अपने हालांकि कन्हैया की तृप्ति नहीं हुई है लेकिन फिर भी माता ने क्या किया लाला को उतार करके जो है नीचे रख दिया और नीचे रख करके जो है क्या किए जो है उसको दूध को बचाने के लिए माता वहां पर दौड़ करके जाती है इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोलते हैं हाँ काम स्तन्य काम आसाध्य मथनते जननी हरे गृहत्वा दि मंथान्य न्यसेद प्रेते मावन जब कन्हैया जो है माता ने क्या किया है उसको जो मथ रही थी दूध को लेकिन मत्ते मत्ते जो है उन्होंने लाला को दूध पिलाना शुरू किया लाला को दूध पिलाते पिलाते जो है जब दही वो क्या नाम है दूसरा दूध उफरने लगा तो माता लाला को त्याग करके और जो है क्या किए अपने जो है उस दही दूध को बचाने के लिए दौड़ करके गए तो प्रभुपा जी ने एक बात इसमें लिखी है प्रभुपा जी जो है इस बात को लिख रहे हैं कि देखो कभी कभी जो उन्नत भक्त होते हैं वो एक कार्य की उपेक्षा करके दूसरा कार्य करने के लिए चले जाते हैं जैसे कभी कभी घरों में भी देखा जाता है कि जब माता कभी पकवान बनाती है किसी त्यौहार पर तो उसमें जो है बच्चे लोग चक्कर मारते रहते हैं भूख लगी होती है लेकिन माता जो है उनकी तरफ ध्यान न दे करके अपने कुकिंग में लगी रहती है कुकिंग भी हालांकि प्रसाद किसके लिए बनाया जा रहा है बच्चों के लिए बनाया जा रहा है लेकिन जो बहुत बासल्य के कारण माता ने क्या किया मतलब कृष्ण की उपेक्षा कर दी उपेक्षा क्यों कर दी इसलिए उपेक्षा कर दी कि माता ने सोचा कि भाई ये स्तनों का जो दूध है वो तो कहीं गया नहीं लाला कभी भी पी सकता है लेकिन यदि पद्म गंधा का जिसको मैंने इतने मेहनत करके इतनी सावधानी से जो है आज जो है इसका दूध को गर्म कर रही हूँ यद ये फन करके जो है न जिसकी मोटी मोटी मलाई जम चुकी है क्योंकि बहुत लंबे समय से सुबह से ही निकाल करके अंगीठी में रखा है और फिर जल वो धीरे धीरे गर्म होते होते -गर पहले जो है आप लोग सभी जानते होंगे गांव के ही लग रहे हैं मुझे तो सब कोई शहर का कम ही होंगे <laughs> तो उस समय जो है हमारे घर में भी सब जगह देते हैं तो क्या करती हैं माताएं है जो है अंगीठी होती है और उसमें ऊपला डालते हैं गायों के गोबर का भैंस के गोबर का ऊपर डाल करके अग्नि लगा देते हैं तो अग्नि क्या करती है वो धीरे धीरे करके उसमें जलती है और मिट्टी का पात्र होता है जिसमें दूध लौटाया जाता है तो उससे क्या होता है कि जब धीरे धीरे कर करके गर्म होता है तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है तो ऐसे ही वो कई बहुत समय से धीरे धीरे करके वो जो है क्या नाम है वो गर्म होते 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 क्या हुआ मतलब इतना उसकी मोटी जो है वो मलाई की परत हो चुकी है कि मैया है, उसको याद करके कि यदि ये मलाई जो है चली गई ये दूध चला गया तो लाला फिर बाद में क्या पिएगा तो इसलिए मैया पहले उस दूध को बचाने के लिए दौड़ करके जाती है लेकिन इसी बीच में एक कन्हैया कोई ठीक नहीं लगा उन्होंने सोचा अच्छा भाई मेरी तृप्ति नहीं हुई और माता ने मेरे को जो है पहले क्या किया बिना तृप्त किए और इस तरह से मेरे को दूध कर दिया इसलिए लाला को थोड़ा गुस्सा हुआ है पहले तो आँख गर्म हुई धीरे धीरे करके पहले तो देखा कि मैया आ रही है कि नहीं आ रही है तो देखा मैया नहीं आ रही है तो आँखें गर्म हुई जब गुस्सा सबसे पहले कहाँ आता है आँखों पे आता है, है तो आँख पे कैसे मालूम चलेगा तो आंखें लाल लाल होने लगती हैं थोड़ा हैं जब आंख लाल होती हैं तो फिर गुस्सा उतरता है नीचे फिर कहाँ आता है नाक पर आता है तो लंबी लंबी सांस चलने लगती है <laughs> और फिर कहाँ आता है गुस्सा फिर होठ पे आ जाता है, है दांतों पे आ जाता है तो जो है तो दांतों दांत क्या करते हैं को दबा देते हैं मानो रजोगुण तमोगुण तमोगुण तो पर सतोगुण अधिकार कर रहा हो तो उनको दबा देते हैं फिर बाद में प्रोसेस तो आप सभी जानते हैं कि फिर जो हाथों पे आता है तो फिर हाथ चलने लगते हैं फिर धीरे धीरे कर और नीचे होता तो फिर जो पैर चलने लगते हैं तो ऐसे जो है मैया का जो है क्या नाम है कन्हैया का गुस्सा बढ़ा तो हाथ तक ही आया और उन्होंने क्या किया जो वहीं जो है एक वो मसाला पीसने का वो रखा था ए? उसको लोड़ा बोलते हैं आप जो जैसे भी कुछ बोलते होंगे अपनी अपनी भाषा में तो पत्थर का वो था तो लाला ने क्या किया ए? उसी को उठा करके जो है और मथानी के ऊपर दे मारा जिस मथानी फूट गई तो मथानी जब फूट जाती है तो इसके बाद में कन्हैया ने देखा कि मैया इस बात को सुनी है कि नहीं सुनी मथानी की आवाज़ क्यों वो, बहुत उसकी तन्न आवाज होती है लेकिन मैया इतनी व्यस्त थी उधर कि जो है उन्होंने वो आवाज़ को सुना नहीं हालांकि आवाज़ तो हुई होगी लेकिन वो सुना नहीं क्योंकि मैया उधर ही लगी थी क्योंकि जिस समय मैया दौड़ करके गई तो दू तो मैया को देख करके धड़सने नीचे बैठ गया क्योंकि उसको जो है शर्म आने लगी उसको थोड़ा लज्जा महसूस हुई कि देखो मैया कन्हैया की सेवा में लगी थी लेकिन मैंने डिस्टर्ब कर दिया उनकी सेवा उसमें तो इसलिए वो क्या किया थोड़ा सा ही उसको उतार के नीचे रखे उठा करके थोड़ा सा अग्नि से दूर किया फट नहीं वो पानी बैठ गया थोड़ा पानी डाला तो बेचारा वो तो बैठ गया वो तो शांत हो गया और इसके बाद में मैया जो है फिर आती है तो वहाँ जब आती है तो देखा के पूरा दूध ही जो है वो पड़ा हुआ है क्या नाम है दही फैला हुआ है लाला है नहीं तो इसलिए समझने में ज़्यादा मैया को देर नहीं लगी दूसरा उसने देखा कि भाई लाला कहाँ गया है तो मैया का कोई साधन घर तो है नहीं राजेश्वरी इसलिए विशाल उसका जो है वो था महल था तो उसमें मैया सोच रही थी मैं कहाँ देखूँ कहाँ गया कहीं बाहर तो ना चला जाए तो जिस समय कन्हैया दौड़े थे तो दौड़ते समय जो है मक्खन के ऊपर से उस जो जो, आ, जो दही था उसके ऊपर से दौड़े थे तो इसलिए वो क्या हुए थे उनके पैर जो है उस पर लगे थे तो मानो वो दही कह रहा हो मैया से कि मैया देख तुम इतने बड़े घर में कन्हैया को भला कहाँ ढूंढोगे लेकिन यदि तुम मुझको फॉलो करोगी तो मैं सीधा आपको वहीं पहुंचा दूँगा अर्थात तुम छिन्नों को देखते हुए चलोगे तो कन्हैया को ढूंढने में तुम्हें ज़्यादा वो नहीं होगी तो इसलिए मैया ने देखा को छाप बनी हुई है जस्ट उनका ही जो है फॉलो करती गई और इधर कन्हैया क्या किए थे एक बहुत बड़ा मैया का भंडार ग्रह था जहाँ मैया क्या करती थी जो दही बना दो दही है और जो मक्खन तैयार करती थी वो छींकों पर है? कई सैकड़ों छींकों पर वो द, वो मक्खन जमा हुआ है नीचे रखती थी तो कन्हैया ने क्या किया था उसी जो है भंडार गृह में वो घुस गए थे क्योंकि वो दो जो दही जो मक्खन था वो कभी कभी जो अतिथि गण आते थे उनके लिए स्पेशली जो है मैया उसी वहाँ का पूजा पाठ के लिए वो सारा स्टॉक था मान के निकास से और घरों में ऐसा होता है कि अलग से जो है जो शुद्ध होता है पूजा पाठ के लिए होता है उसका अलग स्टॉक रहता है बच्चों के लिए अलग अपना जो है कर देते हैं तो वहाँ जा कर के जो है कन्हैया ने क्या किया अंदर घुसे और अंदर घुस करके क्योंकि हालांकि जो है अंदर से वो चटकनी लगी थी इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्योंकि घरों में आप जो है जब देखेंगे तो क्या होता है कि किवाड़ों को कैसे खोलना है जो थोड़ा समझदार होता है वो जान लेता है कैसे खोलना है तो वो थोड़ा सा ढीली थी जो चटकनी थी जिसमें अंकुश जिसमें फंसती थी तो कन्हैया ने क्या किया जैसे तैसे करके उसको खोल दिया तो अंदर से खुल गई और अंदर से खोल करके उसने चटकनी लगा दी जैसे मालूम ही नहीं चले कि मैं इसके अंदर हूँ और एक जो है बाहर गेट खुलता था जो पूरा दलान जंगल था उसमें उसका जो है तो उसके बाहर जाता था तो उन्होंने क्या किया तो उसी समय जा करके उस गेट को पहले खोल दिया क्योंकि मान लीजिए कुछ कुछ समस्या आती है तो कम से कम भागने में ईजी होगा नहीं तो मालूम चला के तो इसलिए जो है खोल वो खोल खोल दिया तो इधर भगवान क्या किए थे कि वहाँ उखल जो था पहले तो देख कैसे जो है मक्खन को उतारा जाए तो नहीं उतर तो उखल को उल्टा किए उल्टा करके जो है ऊपर उप, चढ़े चढ़ करके जो है उसको टेढ़ा किया तेड़ा करके भगवान जो है मक्खन खा रहे हैं और भगवान ने एक ही सारा बंदरों को कर दिया वो बंदर तो पहले से आज तो है तैयार थे क्योंकि वो राम अवतार में उन्होंने पहले ही इन्वाइट कर दिया था कि देखो उस समय आप आना नजदीक रहना मैं बताऊंगा टाइम पे आ जाना तो जो है बंदर तो तैयार थे तो इसलिए भगवान ने चुटकी बंदर सैकड़ों की संख्या में बंदर उसमें घुस गए क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो राम अवतार में बहुत बिजी था इसलिए आप लोगों की सेवा नहीं कर सका हालांकि आप लोगों ने तो मेरी बहुत सेवा की लेकिन मैं दावत नहीं दे पाया आप लोगों को लेकिन आज मैं दावत देता हूँ मखन की इसलिए आप आ जाना तो तुरंत क्या किए जो गेट खोला था भर से न इशारे से घुस गए और भगवान जो है स्वयं खा रहे हैं और बंदरों को बड़े प्रेम से खिला रहे हैं लेकिन साथ साथ में वो माता को भी देखते जा रहे हैं क्योंकि जो चोर चोरी करता है तो चोरी तो करता है लेकिन उनकी आंखें चारों तरफ नाचती रहती हैं शोर की तो इसलिए वो जो है मक्खन भी लुटा रहे थे खिला रहे थे साथ साथ में मैया के ऊपर भी थे तो मैया आई जो है देख करके किवाड़ बंदे तो उसमें एक छोटा सा होल था आंख लगा करके देखा मैया ने तो देखा कि लाला जो है उसके ऊपर उखल के ऊपर चढ़ा हुआ है और जो है दही मक्खन निकाल रहा है और बंदरों को खिला रहा है खुद खिला रहा है तो उन्होंने देखा कि लाला को थोड़ा सा बिगड़ गया है आज थोड़ा सा सुधारना ही चाहिए तो उन्होंने एक छड़ी ले ली छड़ी ले करके चटकनी खोली और चटनी खोल करके जैसे ही मैया ने चटकनी खोली तो बंदरों को पहले आवाज़ मालूम चल गई <laughs> वो तो फटफट -फट करके फट नहीं निकल गए और इधर जो है भगवान बंदरों के साथ साथ में वो क्या किए देखा कि मैया आ रही है वो भी कूद करके उनके साथ में भागे लेकिन आज मैया ने प्रण कर लिया कि आज मैं लाला को अवश्य ही थोड़ा दंड दूंगी क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं देती हूँ नहीं करती हूँ तो आगे चल कर के मेरा लाला कहीं बिगड़ ना जाए कहीं जो है उत्पाद ज़्यादा ना बढ़ा दे इसलिए मैया ने आज थोड़ा सा उनको पनिशमेंट देने के लिए सोचा दूसरा ये है कि जो है शास्त्रों में बताते हैं आचार्यों के कहना है कि आज मैया ने सोचा कि अब लाला जो है भयभीत हो चुका है मेरे हाथ में वो है इसलिए भयभीत भी है यदि मैं इसको जो है पनिश नहीं करूँगी या इसको बांध करके नहीं रखूँगी तो कहीं ये चला गया गुस्से में तो चला गया तो फिर मैं भला कहाँ ढूंढूँगी तो इसलिए आज मैया ने सोच लिया कि आज मैं इसको थोड़ा दंडित करके आज इसको बांध देती हूँ बाद में जो है काम धंधा करके बाद में खोल दूंगी मना लूंगी अपना ही तो लाला है तो बाद में मना लूंगी तो इस प्रकार सोच करके भगवान जो है मैया के पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़े हैं दौड़ी हैं मैया के हाथ में वो लगी हुई है छड़ी लगी हुई है जिसको देख कर के भगवान बहुत डर गए हैं और आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे मैया दौड़ रही है दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है ए, मैया चाहती है कि मैं पकड़ूं और उनको लगता भी है कि मैंने अब पकड़े कि तब पकड़े लेकिन कन्हैया जब तक नहीं चाहते हैं तब तो तक तो कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है आज जो है सामने आ गई है मैया के बीच में आ गई है और उन्होंने कहा कि मैया अरे भाई तुम उनको भला क्या पकड़ोगी बड़े बड़े देवता भी जो है क्या यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरतन बंत दिव्य स्तवई वेदे सांग पद क्रमोपनस्ति गायती यम सामगा ध्यानावश्य तद्गतेन मनसा पश्यती यम योगिनो यश्यन विदु सुरा सुरगणाय बड़े बड़े देवता जो हैं ऋषि मुनि भी उनको जो है एक झलक देखना चाहते हैं पकड़ना तो दूर झलक के लिए तरसते रहते हैं लेकिन वो भी उनके लिए संभव नहीं है तो इसलिए ऐश्वर शक्ति बीच में आने के कारण जो है वो नहीं पकड़ पाई दूसरा मैया भगवान की शक्ति से भी अपरिचित है हालांकि भगवान ने अपनी शक्ति का पहले प्रदर्शन किया है पूतना वध किया सटकासुर वध किया एक दो बार जो है उनको मुख में क्या नाम ब्रह्मांड भी दिखाया लेकिन मैया का जो वात्सल्य इतना चरम सीमा पे है कि इतना बार बार जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भी मैया उनको लाला ही समझे इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैया जो है इस बात को नहीं समझ पा रही है विज्ञाय अर्भक वत्सला ये सकल तम दामना आ तीर को विदा मैया जो है भगवान की जो अचिंत शक्ति है अत वीर को विदा उनकी जो अपन में असीम जो शक्ति है माता उसका जो है अनुमान नहीं लगा पा रही है उसको अपना ही बच्चा समझ करके बैठी है इसलिए जो है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है लगता भी है कि अपना अभी पकड़ा के तब पकड़ा लेकिन एक तो माता का शरीर बहुत भारी है क्योंकि माता जो है खूब अच्छी तरह खाती पीती तो इसलिए गाँवों में भी देखते हैं अष्टपुष्ट स्त्रियाँ होती हैं तो माता का शरीर भारी है एक्चुअली तो दूसरा मैं एक बात बताना के लिए भूल गया लगता है मैं बहुत आगे निकल गया लेकिन वो बात मेरी बात याद आ रही है तो उसको मैं थोड़ा बोल देता हूँ बाद में देखें जितनी होगी तो हो जरूरी थोड़ी का आज ही बांध देंगे ऑलरेडी बंधे तो है ही हैं <laughs> जहाँ तक होंगे हम पहुँचेंगे बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा है हम नहीं चाहते कि उनको बांध करके छोड़ दें मालूम चला कि बंधे ही रहें फिर बाद में कब नंबर आए उनको खोलने का तो जितना है उतना करेंगे तो जिस समय जो है हम बता रहे तो, तो एक पॉइंट हम थोड़ा सा भूल गए तो उसको चलते चलते बता देते हैं कि जब मंथन कर रही थी उस समय जो है उनके जो केसों के जो जो श्रृंगार था मैया का श्रृंगार है वो धीरे धीरे क्या है जो मंथन करने से आ, खुल गया है और खुल गई खुल जाने से क्या है उनके जो फूल हैं जो ऑलरेडी बहुत सजा करके रखी थी वो नीचे गिर रहे हैं तो इसमें जो है आचार्यों की टिप्पणी टिप, टिप, है वो क्या बोलते हैं कि प्रश्न होता है कि भाई फूल जो मालाएं थी वो टूट के क्यों गिर रही हैं तो वो इसलिए गिर गिर रही थी उस सर से तो उन्होंने देखा कि मैया जो है आज जो है भगवान की सेवा में लगी हुई है और हम लोग जो है उनके सर पर चढ़े बैठे हैं है कि नहीं तो उनको क्या हुआ उनको ये शर्म लगा कि वास्तव में इस मैया के तो हमें सर पर नहीं होना चाहिए कहाँ होना चाहिए चरणों में जगह होनी चाहिए हमारी तो इसलिए लज्जा से बेचारे क्या किए ऊपर से फूल जो है गिर गिर करके माता के चरणों में जो हारे ये बात मुझे को जो है थोड़ी सी याद आई तो मैं इसको भी चलते चलते बता दिया है तो मैया भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाए जैसे वो क्या नाम है यवन काल यवन काल यवन जैसे भगवान की शक्ति को नहीं समझ पाया और वो सोच रहा था कि मैं कन्हैया को पकड़ लूंगा है? मैं आया था युद्ध के लिए और इनवाइट भी किया था और इसने भी जो है इनवाइट मतलब मेरे को कहा था हाँ ठीक है आइए युद्ध करेंगे लेकिन अब देखते हैं कि भागरा है तो वो भी सोच रहा था कि मैं इसको अब पकड़ा कि तब पकड़ा ऐसे लगता है इसलिए तो भगवान या दूर निकल जाते तो हो सकता है कि हताओ तो होकर के रिटर्न हो जाता था लेकिन भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे उनका उत्साह कम नहीं होने दे रहे हैं और दौड़ा दौड़ा करके मुचकुंद धौलपुर के पास में आप लोगों ने मुचकुंद गुफा देखी है नहीं धौलपुर हमारा एक्चुअली हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है धौलपुर हाँ <laughs> डिस्ट्रिक्ट है हमारा वही पास में हमारा गांव है धौलपुर तो वहाँ जो है भगवान मुचकुंद की गुफा में ले के गए क्योंकि भगवान ने सोचा रे भाई ये यमन को मैं क्या मारूँ चलो उसको अपने भक्स से उसका उद्धार करा देता हूँ तो वहाँ जा कर के जो है तो कहने का आशय कि जैसे काल यमन भगवान की शक्ति से अपरिचित है उनको मालूम नहीं चल रहा है ठीक ऐसे ही माता यशोदा भी भगवान की अपरमित शक्तियों से अपरिचित हैं उनको मालूम नहीं चल रहा है कैसे भगवान सारे ब्रह्मांड के अंदर अपनी शक्तियों के द्वारा छाए हुए हैं लेकिन फिर भी जो है माता उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं तो चलते चलते उनका शरीर जो स्थूल मोटा शरीर था भारी शरीर था अब दौड़ने में धीरे धीरे करके असमर्थ हो गया सांसें थोड़ा फूलने लगी पसीना पसीना मैया हो गई है लेकिन फिर भी जो है स्त्रियां सारी गोकुल की स्त्रियां क्यों कन्हैया एक गली से दूसरी गली में दूसरे से तीसरी गली में तो जो है क्या तो सुबह ही सुबह का समय था तो इसलिए सारी स्त्रियां क्या की हैं अब जो है अपने अपने घरों से निकल करके लाला के मतलब उसको देख रही हैं और मैया से भी कह रही हैं अरे मैया क्यों इसके भला पीछे पकड़िए पड़ी है जाने दे छोड़ दे तो मैया ने कहा नहीं आज इसको पकड़ करके ही छोड़ूंगी तो भगवान ने कहा ठीक है मैया तू पकड़ ले पहले लेकिन मैया ने जब प्रयास करती रही करती रही पसीना पसीना हो गई तो जो है लाला ने सोचा क्योंकि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हैं जो भगवान की शक्ति से अपरिचित रखती हैं उसी प्रकार ठीक भगवान की कृपा शक्ति है जो संपूर्ण रूप से भगवान का परिचय दे देती है इसलिए तुरंत बीच में भगवान की जो कृपा शक्ति है वो आ गई जिससे ऐश्वर्य शक्ति जो है डाउन हो गई क्योंकि शक्ति के सब शक्तियाँ भगवान की जो है कार्य करती हैं तो डाउन हो गई तो इस प्रकार जो है मैया ने लाला को पकड़ लिया पकड़ लिया तो भगवान जो है भयभीत हो जाते हैं भयभीत हो जाते हैं जैसे कुंती महारानी बोलती हैं है, कि हे कन्हैया मैं आपको जो है क्या नाम है क्या, क्या हाँ गोपिया दधे हैं हाँ क्योंकि पहले जब स्तुति की तो पहले जो है नपह पंकज क्या नाम है नवपज पाक नवा पंकज नाव है नव पंकज माल ने हाँ हाँ कृष्ण आए वासुदेव ये भी है तो यहाँ जो है भगवान उनको कह रही है कि जो है मैया तो भैया बोलती है कि जो है मैं जानती हूँ तुम क्या हैं जो है बच्चे मेरे साथ भतीजे नहीं हैं तुम क्या हो साक्षात भगवान बोला मालूम मानो कृष्ण ने सोचा कि मैया तू क्या नाम है बुआ तू कैसी बात रही है मैं तो तेरा भतीजा हूँ है तेरे जो है क्या नाम है उनका लड़का हूँ बसदेव का लड़का हूँ तुम तो उनकी बहन है मैं आपका भतीजा लगा तुम मेरी भूआ लगे ऐसे कैसे बोल रही है बोला नहीं तुम जो है भगवान हैं और वास्तव में इतनी अपरमित शक्तिशाली होकर के भी मैंने आपको उस समय जो है एहसास किया था जिस समय मैया की छड़ी जो सारा ब्रह्मांड आपसे भयभीत रहता है क्या नाम है यम ब्रह्म जो क्या नाम है इसलिए इसको हाँ नहीं एक अलग श्लोक है क्योंकि जल्दी में मैंने किया तो था तो उसमें एक श्लोक है ना च अंतर न बहि यश ये भी नहीं सॉरी एक दूसरा श्लोक है तो बोलते हैं एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा भक्त वश्यता स्व अंसेन अपि कृष्णन यस्य दम ईश्वरम बसे अर्थात तो बोलते हैं कि हे महाराज परीक्षित एवं संदर्शिता ही अंग है परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि हे परीक्षित हरिणा भक्त वश्यता जो भगवान है हरि हैं भक्तों के अधीन हैं और आज की लीला को इसी में प्रदर्शित करना चाहती कैसे भगवान भक्तों के अधीन है स्व अंशेन अपि कृष्ण न यसेदम स ईश्वरम बसे जो फिर वे भगवान जैसे इंद्र ब्रह्मा जी जैसे देवता महान देवता उच्चस देवताओं समेत इस संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के बस में है हो जाती हैं यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दर्शाई गई है तो कहने का आशय है कि जो है माता कुंती इस बात को जो है एहसास कर रही है कि जो भगवान जो साक्षात भगवान हैं जिनका बाहर नहीं है अंतर नहीं है इतने जो है सारी सृष्टि में व्याप्त यानी कि उसमें लेकिन वही भगवान माता की यशोदा की छड़ी से इतने भयभीत थे इतने भयभीत थे कि उनके आंसुओं से आंसू निकल रहे थे और भग भगवान क्या कर रहे थे सत्यता यह है कि भगवान उस समय भयभीत हुए थे आंखों को मलते जा रहे थे और जो है बहुत भयभीत हो रहे थे ऊपर की तरफ देख रहे थे तो वहाँ पर आचार्यों को कहना है कि भगवान ऊपर की तरफ क्यों देख रहे थे तो वहाँ बताते हैं कि भगवान इसलिए ऊपर की तरफ देख रहे थे कि जब संसारी व्यक्तियों के ऊपर मेरे भक्तों के ऊपर जब कोई कष्ट आता है तो ऊपर देख करके प्रणाम करते प्रभु बचा लेना प्रभु लेकिन आज मैं जो है समस्या में पड़ा हूँ आज मेरे को कौन बचाएगा कुछ मालूम नहीं चलता है तो ऐसे भगवान जो है बार 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 भयभीत होकर के ऊपर की तरफ देख रहे थे तो कुंती माता बोली थी कि वास्तव में आप हालांकि भगवान हैं मैं जानती हूँ लेकिन उस दिन मैंने देखा कि आप माता की छड़ी से इतना भयभीत हो चुके थे कि आप पूरी तरह से डर गए थे माता से और ज़ोर ज़ोर से जैसे बच्चा कभी गलती करता है फिर उसको गलती में पकड़ा जाता है तो बच्चा रोता है ज़ोर से ऐसे भगवान जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि महाराज परिचित मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है इसलिए डर गया है तो उन्होंने अपनी छड़ी को फेंक दिया और छड़ी को फेंक करके जो है उन्होंने सोचा कि जो है कुछ समय के लिए इसको बांध देती हूँ क्योंकि सुबह का समय है सुबह का समय में काम धंधा भी रहता है बाद में लाला को जो है क्या नाम है मैं जो भी है गलती तो किया है लेकिन कोई बात नहीं अपना ही लाला है मैं मना लूँगी और मना लग करके कि जो है क्योंकि ऐसे समय में यदि खुला छोड़ती हैं तो कहीं दूसरी जगह चला गया तो भला मैं कैसे उसको जो है कहाँ ढूंढती फिरूँगी इसलिए उन्होंने आज भगवान को बांधने का प्रयास किया तो उन्हीं की जो पहले जो अपने जूड़े में जो रस्सी लगाई थी रेशम की वो जूड़ा बना था उनका है, जो बांधते हैं तो उसमें तो पहले अपनी वही रस्सी को खोल करके और उसी से भगवान को बांधने का प्रयास किया लेकिन उससे नहीं बांधे तो उन्होंने अपनी उनको कहा दास दासियों को भी जो है क्या नाम है उनको भी जब तक पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया गोकुल इकट्ठा हो गया तो उनसे कहा चलो रस्सी लेकर के आ मुलायम मुलायम रस्सी तो जिनके घर में जो जो रस्सी थी बेचारी लेकर के आई तो बांधती गई मैया और आप सभी जानते हैं कि रस्सियों से बांधने का प्रयास किया जो भी रस्सी लाती थी वही जो है क्या नाम है दो अंगुल पड़ जाती थी जो रस्सी लाती गई लाती गई रस्सियाँ बढ़ती गई और इस प्रकार जो है सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी गई लेकिन कन्हैया जो है क्या नाम है बंधे नहीं इसी बात को लेकर के सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन मैया को यह मालूम नहीं चल रहा है, है कि नाचा अंतः न ना बहे यस्य न पूर्वम न अपे च अपरत आप क्या है यह है इस लोक तेरा हां न च न चातर् बहिर्यश न पूर्व चापीचा परम पूर्वापरम बहिश्चअत यर्थात जिसका बा, अंत नहीं है भीतर नहीं है जिसका बाहर नहीं है जिसका पूर्व नहीं है जिसका अंत नहीं है पश्चिम नहीं है आदि नहीं है अंत नहीं है उस भगवान को माता क्या कर रही है रस्सियों से बांध रही है लेकिन जितनी भी रस्सी लाई लेकिन कोई भी रस्सी से बांध नहीं सकी और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि मैया ने बचपन में एक काला धागा जैसे बच्चों की कमर में माताएं क्या करती हैं काले धागे में है? छोटा सा चाकू है और जो है शंख है छोटा छोटा सा या दांत होता है उसका नाखून होता है वो बांध देती हैं अब देखे होंगे कम काला धागा बांधते ना कमर में आप लोगों के भी शायद बांधे होंगे मालूम नहीं बांधे कि नहीं बांधे लेकिन उन्होंने बांधे थे ए हाँ नजर के लिए और वो उसमें बांधते हैं तो वो एक विलायन का धागा है लेकिन वो ढीला पड़ा हुआ है और आश्चर्य सभी को इस बात का हो रहा है कि सारे गोकुल की रस्सियाँ बांधी लेकिन रस्सी में जो है गांठ नहीं लग रही है। तो अंत में जो है गोपियों को कहना पड़ा कि मैया इसके जब भाग्य में बंधन नहीं है तो प्राय छोड़ दे जाने दे क्यों फालतू जो है उसमें वो पड़े हुए हैं लेकिन मैया ने आज प्रण कर लिया कि नहीं इसको मैं बांध करके ही रखूँगी तो भगवान जो है देखा कि मैया प्रयास कर रही है और प्रयास करते करते पसीना पसीना हो रही है, है? और इसके बाद में जो है क्या बोलते हैं मैया जब देखा कि प्रयास में बहुत ही मतलब कम नहीं छोड़ रही हैं तो भगवान की जो है कृपा सकती है और आती है और अब क्या करते हैं भगवान बंधने का जो है प्रयास करते हैं तो एवं संद्रता ही अंग हरिणा भक्त वस्यता स्व अंश नाप कृष्णा यसेम स ईश्वर वसे यश एदम स ईश्वर जो वास्तव में ब्रह्मांड के स्वामी हैं ईश्वर हैं जगत के कंट्रोलर हैं लेकिन आज क्या करते हैं भक्त कृष्णेर कृष्ण संदर्शिता मतलब आज जो है बस्य न मतलब स्व भक्त वस्त्र मतलब कहने का आशय ये है कि भगवान जो है भक्तों के अधीन है भक्तों के अधीन होने के कारण भगवान आज बंधने का जो है उन्होंने ले लिया कि माता का इतना प्रयास है माता को अधिक कष्ट नहीं देना चाहते हैं इसलिए भगवान जो है क्या करते हैं बंध जाते हैं और बंध करके जो है बोलते हैं कि नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत नाम च आत्मभूताम यथा भक्तिम मता में अर्थात माता ने अपनी भक्ति भावना से भक्ति से प्रेमा भक्ति से क्या किया अपने पुत्र को बांध दे लेकिन ये जो है बांधना तो दूर रहा ज्ञानी नाम चपे नाम जो ज्ञानी हैं कर्मी हैं योगी हैं उनको ये अवसर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता ये केवल भक्ति से ही जो है सुलभ हो सकता है और जो है प्रभुपा जी ने तात्पर्य में कई सारे जो है उदाहरण दिए हैं जैसे क्या नाम है भगवान भक्त वश्यता है इसके लिए उन्होंने वो बताया है कि वृंदावन प्रतिजय पद एगम न गचती भगवान भक्तों के इतने बस में है कि कभी वो वृंदावन नहीं छोड़ते दूसरा उन्होंने दिया है कि जो है क्या नाम है भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने तो इस प्रकार जो है भगवान क्या किए भक्तों के बस में होकर के बंधन में पड़ जाते हैं और माता बांध देती है तो इस प्रकार जो है आज हम भगवान को बांध देते हैं है? बंद 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 गए हैं ठीक है फिर बाद में कल हम खोल भी देंगे ठीक है हरे कृष्णा